मैंने कबड्डी बचपन से स्टार्ट किया। आजू बाजू के सभी बच्चे बड़े छोटे कबड्डी खेलते थे, उन्हें देखकर मैं भी जाने लगा। तो धीरे धीरे मज़ा आता था और बाद में प्रैक्टिस किया तो इस स्टेज पर पहुंच गए। बचपन में हम कबड्डी को वैसे एंजॉय के लिए खेलते थे। बाद में एक बार मेरा सिलेक्शन नेशनल के लिए हो गया, वहाँ देखा कबड्डी को बहुत मानते थे लोग, वहाँ अच्छी इज्जत मिली और वहाँ से स्टेज सी मिल गई यहाँ पर आने के लिए, और अच्छा लगा। गांव में कोच साहब प्रैक्टिस करवाते थे, सुशील शास्त्री, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई हमारी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। उसकी वजह से हम ट्रायल देने गए और ट्रायल में सक्सेस रहे, इसलिए हमारा नेशनल में सिलेक्शन हो गया। मम्मी पापा बोलते थे भाई कबड्डी के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, और बाद में जैसे जैसे खेलता गया, थोड़ा नेशनल खेला और ऊपर खेला, तो उसके बाद परिवार वालों ने भी साथ दिया, बोले चल कबड्डी ज़्यादा खेल तू, कोई नो प्रॉब्लम। वो बहुत खुश होते हैं मुझे लाइव टीवी पर खेलते हुए देखते हुए, बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं बेटा कुछ करके दिखा, अच्छा कर रहा है और कर। देखो पहले हम खेलते थे तो कुछ लोग बोलते थे, अब गांव में शहर में जाते हैं बहुत इज्जत मिलती है, और आज इज्जत ही चाहिए प्लेयर को और क्या चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतने बड़े स्टारों के साथ खेल रहा हूँ जो कि इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के स्टार हैं, उनके साथ खेल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे कुछ सीखने को भी मिल रहा है। विशाल माने और सचिन बोलते हैं बिंदास खेल, नो प्रॉब्लम, तू करेगा अच्छा करेगा, इस वजह से कुछ हो जाता अच्छा। नहीं अगर मैं कबड्डी नहीं खेलता तो अपने घर पर ही रहता और क्या करता।